हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा बेस डेटाबेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लिब्रा बेस डेटाबेस की। देखिए, लिब्रा बेस डेटाबेस में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराया जाए, सवाल इस बात को लेकर के आया है। तो ये लिब्रा बेस डेटाबेस तो ओपन ही है, इसको ओपन करने का तरीका, कैसे इसको लेंगे हम, ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू, इस पे बस क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा फील्ड नेम और फील्ड टाइप। तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर सिंपली यहां पर जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, तो मैं स्टूडेंट का ही डेटाबेस लेके बता देता हूं। तो यहां पे रोल नंबर कर लिया हमने, ठीक है। और ये आप यहां से डेटा टाइप चूज कर सकते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से ज्यादा डेटा टाइप यहां पे मिल जाते हैं। तो अगर आप रोल नंबर को नंबर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट ही रख लेता हूं। और फिर यहां पर आ जाते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये मैंने लिख दिया नेम और फिर लिखा ऑफ, फिर लिखा स्टूडेंट, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट भी लिख दिया हमने। और अगर आपको ऐड वगैरह करना है नंबर्स को तो आप ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूं, यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, रोल नंबर हो गया, यहां पे क्लास कर देता हूं। तो ये मैंने लिख दिया क्लास, तो क्लास भी वायरकैट डेटा टाइप यानी कि टेक्स्ट डेटा टाइप में रख रहा हूं, ठीक है। अब ये तीन चीज करने के बाद यहां सेव पे क्लिक कर देता हूं, ये टेबल वन सेव हो गई। अब यहां पर तो कोई प्राइमरी की दिया नहीं मैंने, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसी रोल नंबर को ही प्राइमरी की बना देता हूं। तरीका क्या है, यहां पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से प्राइमरी की पर क्लिक कर दीजिए, तो ये प्राइमरी की बन गई। अब यहां से इसको क्लोज कर देता हूं, जब क्लोज करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, यस कर सकते हैं, टेबल वन तो नाम दिया ही है। अब इसको बंद कर दीजिए। अब ये बंद हो गया तो नीचे आपके पास टेबल वन आ जाएगा। अब ये टेबल वन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का सिनेरियो दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे रोल नंबर में आपको टाइप करना है रोल नंबर, तो जैसे मान लीजिए रोल नंबर वन है जिनका नाम है आर्यन राम, ठीक है। क्लास है इनका 12th, तो ये लिख दिया 12th, ओके। तो इस तरीके से 12th लिख दिया। अब मान लीजिए दूसरे बच्चे का रोल नंबर है 2, तो ये 2 लिख दिया। और इनका नाम है श्याम, तो ये लिख दिया श्याम। और फिर यहां पर हमने कर दिया 11th, ठीक है, तो ये 11th कर दिया। फिर नीचे आएंगे, यहां पे कर दिया 3 और यहां पे कर दिया ईशा, तो ये लिख दिया हमने। और 12th है क्लास, तो ये 12th कर दिया हमने। और 12th करने के बाद यहां पर आपको सीधा सीधा क्लोज कर देना है इसको, ये क्लोज कर दीजिए, यस कर दीजिए, सेव चेंजेस यस कर दीजिएगा। तो बस अब टेबल पे जब जाएंगे तो आपको यही तीन चीजें दिखाई पड़ेंगी, जो आपने नाम एंटर करवाए हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये पहली टेबल हो गई। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अगर आपने सीखा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्रिएट किए हैं, तो आपको ये पता होगा कि टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए। तो यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं प्राइमरी की मैंने बनाया रोल नंबर को, तो अब जो दूसरा हम टेबल बनाएंगे उसमें एक रोल नंबर तो होना ही चाहिए। तो चलिए आइए दूसरा टेबल बनाते हैं, यहां से क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे चलते हैं। और यहां पर मैं क्या करता हूं, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूं, तो ये लिखा मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये एक हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। और इसका डेटा टाइप मैं चेंज कर रहा हूं, इसका डेटा टाइप हम नंबर रख लेते हैं, न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। तो ये नंबर डेटा टाइप मैंने कर दिया। और यहां पर मैं क्या करता हूं, रोल नंबर रख देता हूं। अब देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें प्राइमरी की बनाना होगा, ये बात ध्यान रहे। और इसे टेक्स्ट डेटा टाइप ही रखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो टेबल हमने बनाई थी उसमें हमने इसको टेक्स्ट ही रखा था। अब क्या करना है, यहां से इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको प्राइमरी की बना दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें प्राइमरी की रहेगा, अगर आप प्राइमरी की नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आईडी नाम से ऊपर प्राइमरी की आ जाती है जब आप इसको क्लोज करते हैं या सेव करते हैं, तो ठीक है। तो प्राइमरी की मैंने बना दिया, प्राइमरी की खुद से ना आए, हम खुद डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी की हमें किसे बनाना है, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट की सिटी की बात कर लेते हैं, तो ये सिटी लिख दिया मैंने, और सिटी को भी रख दिया मैंने वायरकैट डेटा टाइप। और यहां से व्यू पे क्लिक किया, मतलब कि इसको सेव करने के लिए, और यहां से ओके कर दिया। तो बस आपका काम हो गया है, यहां से इसको क्लोज करिएगा, दो टेबल्स आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अगर आपको तीसरी टेबल भी लेनी है, बनानी है, तो यहां से वापिस से क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे जाना है। और यहां पर जाने के बाद जैसे ही आप यहां आते हैं तो यहां पर आपको एक और नया आपको फील्ड नेम देना होगा, लाइक मैं यहां पर दे देता हूं स्कॉलर आईडी, ये स्कॉलर आईडी दे दिया हमने। और इसको भी हम नंबर डेटा टाइप ही रख लेते हैं, या आप कुछ भी इंटीजर या कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, नंबर कर लेते हैं। चलिए स्कॉलर आईडी कर दिया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक और जो हमने बनाया था रजिस्ट्रेशन आईडी, उसको भी दे देता हूं, रजिस्ट्रेशन आईडी दिया था, तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी कर दिया,
ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आईडी भी नंबर डेटा टाइप था, तो यहां से आपको नंबर डेटा टाइप ही इस्तेमाल करना है। ये ध्यान रखना है कि दोनों में सेम डेटा टाइप होगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी कर दिया। अब इसके अलावा यहां पर क्या क्या चीजें आप दे सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए सब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर का एग्जाम होगा तो ये कंप्यूटर में मार्क्स गेन करेंगे, तो यहां से जाकर के आप इसे इंटीजर या नंबर बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो डेसिमल भी रख सकते हैं, तो नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप में ले लेता हूं, और फिर यहां पे रख देता हूं मैं लाइक इंग्लिश, तो ये दो सब्जेक्ट भी हमने ले लिए हैं, ठीक है। और यहां पर भी हम न्यूमेरिक डेटा टाइप ही रखने वाले हैं, तो यहां से नंबर, ठीक है। और इसको सेव करिए, टेबल थ्री के नाम से ये सेव हो रही है, देख सकते हैं। प्राइमरी की असाइन नहीं किया, तो यहां पर स्कॉलर आईडी को अब हम प्राइमरी की बनाएंगे, तो ये प्राइमरी की बना दिया स्कॉलर आईडी को, बस अब आप इसको क्लोज करिए, सेव करिए, ओके कर दिया, बस अब आप इसको यहां से क्लोज करेंगे। तो ये देखिए यहां पे तीनों टेबल्स आ गई हैं। अब इसमें रिलेशनशिप कहां से क्रिएट होगा, तो जैसे ही तीनों टेबल आपको दिखाई पड़ेगी यहां पे, तो यहां से आप चले जाइए टूल्स पर, और यहां पर आएगा रिलेशनशिप, तो बस इसी रिलेशनशिप पे आप चले जाइए, तीनों टेबल्स आपको दिखाई पड़ेंगी, ऐड करवाइए एक को, फिर यहां से ऐड करवाइए दूसरे को, फिर ऐड करवाइए तीसरे को, ये तीनों ऐड हो गई। तीनों ऐड होने के बाद अब आपको क्या करना, ये जो रोल नंबर है ना, इस रोल नंबर का रिलेशनशिप इस रोल नंबर से होना चाहिए, तो इसको उठाइए और यहां पे लाके रख दीजिए, ये रख दिया। अब आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा साइड लेके आ जाता हूं, ड्रैग करके इधर लेके आता हूं। अब देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर का रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन नंबर से क्रिएट करा देता हूं, ये क्रिएट हो गया। अब चाहे तो आप इसको इससे क्रिएट कराइए, इसको इससे क्रिएट कराइए, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको हटाना हो, तो यहां पर जाकर डिलीट कर दीजिएगा तो हट जाएगा। अब हम ये चाहते थे कि हम इसका रिलेशनशिप जो है इससे करा दें, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, दोनों ही कर सकते हैं आप। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि ये रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराना है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी ये रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।